हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, कई लोगों का जो ये सवाल आ रहा था कि फ़ीस कितनी लगती है फार्मेसी में, या फिर कितना पैसा लगता है फार्मेसी कंप्लीट करने के लिए, तो आज की वीडियो हम इसी पर बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि कितने आपको प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस लगेगी, कितनी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी लगेगी, क्या यहाँ पर स्कॉलरशिप्स होती है वो भी हम जानेंगे, यानी कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्या स्कॉलरशिप के प्लान्स होते हैं, तो ये सब कुछ हम जानने वाले। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस चैनल के नीचे आया हुआ एक सब्सक्राइब बटन होगा, वो ज़रूर से प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अपडेट्स न्यू वीडियो पर आते रहती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फ़ीस की, जो कि कई लोगों का सवाल होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो हर कॉलेज की यहाँ डिफरेंट फ़ीस दी जाती है। अगर आप फीस जानना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर, मतलब सब कॉलेज ये नहीं देते हैं पर कुछ कॉलेज की वेबसाइट पे जो है फ़ीस स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो सिंपली आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर जो है फ़ीस स्ट्रक्चर या फिर फ़ीस या फिर एकेडमिक ईयर्स, इस तरह का कोई सेक्शन हो तो उसमें आप फ़ी चेक कर सकते हो। अगर वहाँ आपको फ़ी नहीं मिलती है तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, किसी भी इंस्टीट्यूट के आप वेबसाइट पर जाकर जो है फ़ी जान सकते हो। अगर वहाँ पर आपको फ़ीस नहीं दी जा मतलब नहीं बताई जाती है तो डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट का नंबर गूगल से सर्च कर कर पा सकते हो, उन्हें कॉल कर कर भी आप पूछ सकते हो। पर इसमें भी कई कॉलेजेस जो है फ़ी नहीं बताते हैं, और अगर इस वीडियो में मैं आपको हर एक कॉलेज की फ़ीस बताऊँ तो यहाँ ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ कि कितना पैसा आपको लग सकता है। तो दोस्तों, कम से कम अगर हम बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मेसी की बात करें तो कम से कम फीस वाला अगर हम कॉलेज यहाँ पर देखें तो वो कॉलेज भी आपको यहाँ पर 50 से 60 हज़ार फ़ी कम से कम आपको यहाँ पर लगने ही लगने वाले हैं, बैचलर इन फार्मेसी की हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी की बात करें तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख, 1.5 लाख या फिर 2 लाख भी यहाँ पर एक साल की फ़ी होती है, और फीस जो है वो सेमेस्टर वाइज बिल्कुल नहीं होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब 4 साल में 8 सेमेस्टर हैं तो 8 सेम की हमें अलग अलग फ़ी लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो आप फ़ीस भरते हो कंप्लीट ईयर की भरते हो, यानी 2 सेम की एट ए टाइम फ़ी आप भरते हो। अब ये फ़ीस आपको कई इंस्टीट्यूट जो इंस्टॉलमेंट में भी भरने का अलाउ करते हैं, या फिर कई सारे इंस्टीट्यूट को एट ए टाइम एक ही साथ ये सब पूरी फ़ी लगती है। अब आप जिस किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वहाँ पर जाकर आप ये चेक कर सकते हो कि फ़ी इंस्टॉलमेंट में आप भर सकते हो क्या, या फिर आपको एट ए टाइम ही भरनी है या नहीं। हमने प्राइवेट कॉलेजेस के कम से कम रेंज की बात कर ली, बैचलर इन फार्मेसी के लिए 50 से 60 हज़ार, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा 1.5 या फिर 2 लाख। 2 लाख के ऊपर बहुत मतलब कम है, मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जितना मैंने यहाँ पर इंक्वायरी की है, पर अगर होगा तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट में आपकी कॉलेज की फ़ीस भी बता दीजिएगा। ये भी एक बेस्ट वे है सभी को फ़ीस जानने की, आप जिस किसी इंस्टीट्यूट में आपको अगर फ़ीस पता है तो आप वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि अदर स्टूडेंट को उसके बारे में पता चले। तो ये हो गई प्राइवेट कॉलेजेस की बात। अब हम आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिनिमम, या फिर हम मैक्सिमम भी 20 से 25 हज़ार की हम बात कर, मतलब उतनी ही फ़ी यहाँ पर लगती है। इससे ज़्यादा आपको फ़ी कोई भी कॉलेज यहाँ पर मतलब इससे ज़्यादा फ़ी आपको कोई भी कॉलेज में नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको कम से कम फ़ी में, मतलब प्राइवेट कॉलेज में जितनी 1 साल की फ़ी है वहाँ आप यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में, कंप्लीट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप 4 साल निकाल सकते हो। साथ ही साथ जो यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी कई सारी गवर्नमेंट्स कॉलेज में दी जाती है, पर वहाँ जो सीट लिमिटेड होती है तो वहाँ भी आपके लिए मेरिट पर नंबर लगता है। अगर आपको अच्छे परसेंटेज हो तो आपको नंबर वहाँ लग सकता है। हमने बात कर ली प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस मिनिमम मैक्सिमम, साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज की, और जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं स्कॉलरशिप के बारे में भी आज शॉर्ट में बताऊंगा। तो अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, या फिर आपकी इनकम जो है महाराष्ट्र की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट में भी एप्लीकेबल है पर कई सारे स्टेट में नहीं है, इसलिए जो है मैं महाराष्ट्र की स्पेशली यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो और आपका इनकम जो है 7 लाख से कम है तो आप ईबीसी के अंडर आते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो ईबीसी के थ्रू आप जो है स्कॉलरशिप पा सकते हो। यह स्कॉलरशिप आपको होती है, मतलब आपको ओबीसी और ईबीसी इन दोनों को जो है 50% फ़ीस यहाँ पर वापस मिलती है, या फिर 50% फ़ीस जो है भरनी होती है। अब ये फी 50% जो है वो एक्चुअल फ़ीस की 50% नहीं होती है, ट्यूशन फ़ी जितनी है आपकी उसके 50%।
फीस जो है आपको यहाँ पर रिटर्न मिलती है। तो ट्यूशन फी किस तरह आप जान सकते हो, तो सिंपल, आप जिस किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो डायरेक्टली वहाँ जाकर आप ट्यूशन फीस जान सकते हो। अगर फीस किसी कॉलेज की 1 लाख है तो उसकी ट्यूशन फ़ी मतलब 87 to 88 thousand अप्रॉक्सीमेटली हो सकती है। अब इसके हाफ जो है आपको OBC या फिर EBC को स्कॉलरशिप आती है। और अदर कैटेगरी की हम बात अगर करें NT ST SC, तो इनको मैं सब जो आंकड़े यहाँ पर बता रहा हूँ वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट है, ये कंप्लीट राइट नहीं है, पर इसके आसपास आपको एक अंदाज़ा आ सकता है। तो अगर SC NT ST NT 1 2 3 की अगर हम बात करें, तो इनको जो फीस लगने वाली है वो, अगर कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपए, तो ये सब कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको 10 से 15 हज़ार या फिर 20 हज़ार तक की फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस में लग सकती है। बाकी जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो फिर भी आप जहाँ कहीं एडमिशन लेने वाले हो वहाँ जाकर एक बार इंक्वायरी कर सकते हो। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें।